नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पेशल रणतंत्र। और मानो न मानो, लेकिन हाय लगी है केएल राहुल की ब्रो। पहले वेंकी सर के एक ट्विटर थ्रेड ने उनकी टेस्ट में उपकप्तानी छीन ली, उसके बाद रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ बिल्कुल वो वाले दोस्त साबित हुए जो पहले तो आपको चढ़ाकर आपसे कांड करवा देते लेकिन फिर पल्ला झाड़ लेते। मेरे साथ अन्याय हुआ है। कप्तान और कोच दोनों ने ही बोला था कि केएल राहुल को हर हाल में बैक किया जाएगा, लेकिन जब इंदौर टेस्ट शुरू हुआ तो उनको बैक से धक्का दे दिया गया और शुभमन गिल को टीम में शामिल कर लिया गया। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि एक केएल राहुल के जाने के बाद पूरी टीम ही केएल राहुल बन गई। हम रोहित शर्मा और विराट कोहली की सेंचुरी के इंतजार में बैठे रहे और यहाँ पूरी टीम ही गिरते पड़ते सेंचुरी बना पाई। जैसे कल गुड़गांव में गमले गायब हुए थे, हमारे बल्लेबाजों की बैटिंग स्किल गायब हो गई। देखते ही देखते रोल रिवर्सल हो गया और अब इंदौर टेस्ट ऑस्ट्रेलिया वाले डोमिनेट करने लग गए बेन स्टोक्स। और ये सब तब हुआ जब हमने टॉस जीत लिया था, जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और कई लोगों के हिसाब से अपनी कमजोर कड़ी केएल राहुल को भी हमने चलता कर दिया था। इस फैसले के बाद आज रात को वेंकटेश प्रसाद के पड़ोसियों को लाउड म्यूजिक की आवाजें आ सकती है, थोड़ा सा आप लोग भी थिरक लेना। लेकिन थिर के तो आज इंडियन बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया वालों के सामने। आखिरी बार टेस्ट क्रिकेट में इंडियन बल्लेबाजों द्वारा सेंचुरी ओपनिंग पार्टनरशिप दिसंबर 2021 में आई थी। राहुल को ड्रॉप करके शुभमन गिल और रोहित की जोड़ी से टीम इंडिया को बहुत उम्मीद रही होंगी, लेकिन ये उम्मीदें 27 रन तक पहुंचने से पहले ही बुझ गई। पर बाद में जाकर पता चला कि ये 27 रन भी बहुत थे क्योंकि फिर तो आया राम गया राम वाला हिसाब हो गया। जडेजा, अय्यर, पुजारा सब के सब ने हमारे अरमानों पर डिसअपॉइंटमेंट का मिल्कशेक फैलाकर वो लोग चले गए। 50 रन भी नहीं बने थे, आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। भारत और विराट ने 35 की पार्टनरशिप करके थोड़ी उम्मीदें जरूर जगाई, लेकिन लंच से पहले इन दोनों की विकेट ने हमें समझा दिया कि आज हमारा दिन नहीं, आज ऑस्ट्रेलियन मीडिया का दिन है। लंच तक आते आते इंडिया का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 84 था। अक्षर पटेल और अश्विन क्रीज पर थे, लेकिन लंच के बाद ज्यादा देर तक ये लोग भी क्रीज पर नहीं रह पाए। वो तो भला हुआ उमेश यादव के 2 छक्कों का, जिसकी वजह से टीम इंडिया 100 का आंकड़ा पार कर गई। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया का बोरिया बिस्तरा 109 पर समेट दिया। आपको याद दिला दूं, तीसरा टेस्ट इससे पहले धर्मशाला में होना था और इंदौर में ईरानी ट्रॉफी का मैच होना था, लेकिन इंदौर को यह टेस्ट मैच मिलने के बाद ईरानी ट्रॉफी ग्वालियर में शिफ्ट करना पड़ा, जहां पर पहले सेशन के बाद स्कोर था रेस्ट ऑफ इंडिया 123 एक विकेट के नुकसान पर। हमें लगा कि यार हमारा मैच भी ग्वालियर ही हो जाना चाहिए था, इतनी मुश्किल पिच पर क्यों खिलाया हमारे बल्लेबाजों को, रुला दिया ना बेचारे को। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले जब खेलने आए तो ये पिच ग्वालियर की पिच जैसी हो गई। जडेजा ने ट्रेविस हेड को आउट करके पहला विकेट दूसरे ओवर में ले लिया था, लेकिन इस सेशन में मिलने वाली ये आखिरी खुशी थी। इसके बाद हालांकि जड्डू ने लबुशेन को भी बोल्ड मार दिया था, लेकिन वो बॉल नो बॉल हो गई। फिर तो ख्वाजा और मार्नस ने मार ही ली हमारी सारी उम्मीदें। मार्नस तो दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज है ही, उस्मान ख्वाजा को भी सब कॉन्टिनेंट पिचों का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। नतीजा ये हुआ कि चाय तक ये दोनों ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 71 तक ले गए। चाय तक तो ये बात क्लियर हो चुकी थी कि इस टेस्ट मैच की जो पहली जंग है वो टीम इंडिया हार चुकी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को बड़ी लीड लेने से रोकना था क्योंकि इस मैदान पर 100 रन की लीड भी सेहत के लिए हानिकारक हो जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले किसी और ही मूड में थे। उस्मान ख्वाजा ने चाय के बाद पहले ही ओवर में 2 चौके बटोरे। दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज लबुशेन भी बढ़िया रंग में दिखाई दे रहे थे, लेकिन इससे पहले कि ऑस्ट्रेलिया वाले इंडिया की लीड को टॉप कर जाते हैं, लबुशेन की विकेट जड्डू भैया को मिल गई। लेकिन जहां एक तरफ इस पिच पर सारे बल्लेबाज टूट कर बिखर रहे थे, वहीं उस्मान ख्वाजा अलग दिखाई दिए। इंडिया दौरे पर आने से पहले ख्वाजा के वीजा में थोड़ी इशू आ रहे थे। इंडियन फैंस को तो यही लगा होगा कि काश ये इशू तीसरे टेस्ट मैच तक सॉल्व ना होता। उस्मान ख्वाजा ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी और बड़ी तसल्ली से 60 बनाकर आउट हुए, यानी इंडिया के स्कोर की आधी भरपाई तो अकेले ख्वाजा ने कर दी। वो तो भला हो, अपने जड्डू भाई का ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट गिरे और 4 उनके खाते में गए। स्टंप तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर मोदी जी की छाती प्लस 156 था। 4 विकेट गंवाए हैं उन्होंने। इंडिया की पहली पारी के स्कोर पर ऑलरेडी 47 की 47 रन की बढ़त वो लोग ले चुके। दूसरा दिन काफी दिलचस्प होने वाला है और अगर हमें इस टेस्ट मैच में बने रहना है तो हर हालत में ऑस्ट्रेलिया को 100 रन की लीड के अंदर निपटाना होगा, वरना वो बन जाएंगे अब्बा और हम लोग हारमोनियम। दूसरे दिन के खेल का हालचाल और बवाल लेकर कल शाम को आपके लिए आएंगे, हाजिर हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करना, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी राम राम जरूर बोलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं। जय हिंद।